हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल आत्मा एकेडमी में स्वागत है। आज क्लास 11 का एक चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेट थ्योरी। ये क्लास 8th 6th वगैरह में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया गया है, कुछ हद तक यहाँ भी वही चीज है। एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम पहले, एनसीईआरटी। तो इसकी बुक आप पहले अरेंज कर लीजिएगा, ना अरेंज हो तो आपके पास उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले सेट होता क्या है। देखिए, अगर आप मार्केट में जाए, कुछ सामान खरीदने जाए, मैंने सब्जी खरीदने जाते तब तो ठीक है, आलू धनिया सब अलग ले लिया आपने। आप अगर ज्योमेट्री बॉक्स लेने जा रहे हैं तो आप उसे कहेंगे भाई एक स्केल दे दो, और सोचेंगे भी रेजर दे दो, एक प्रोटेक्टर दे दो, घर आएंगे अरे बोले कंपास तो भूल ही गया। तो आप उससे जाइए, उसे एक ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो जो होता है वो आपको दे देगा, चाहे जिस बुक डिपो पे चले जाओ वो वही देगा। ठीक है, क्योंकि सबको मालूम है ज्योमेट्री बॉक्स में क्या आता है। आप अगर लेमन सेट लेने जाते हैं तो हर दुकानदार जानता है लेमन सेट में क्या क्या आता है, क्या चीज होती है। तो सेट क्या होता है, उन्होंने कहा अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स जो हम कहें वही आप समझिए। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का सेट, सबको मालूम है कि भाई पांच नंबर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांच एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं पहली बार, और इसका नाम देते हैं कैपिटल एच। तो हमेशा जो उसके एलिमेंट होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और उसका नाम कैपिटल लेटर से देंगे पहली बार। दूसरी बात, ये जो ए है वो इसका एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे ए, और एक साइन ये बिलोंग्स होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू ए, ए ए को बिलोंग करता है। मान लिया इसमें सी नहीं है तो लिखेंगे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सी ए को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये इसको इंडिकेट करेंगे। दूसरी बात, आप किसी सेट में ए ए बी सी 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 लिखें या आप ए बी सी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रिपीटिशन ऑफ नंबर्स आर हैविंग नो मैटर, देयर इज नो नीड टू रिपीट द नंबर्स, आप सिंपली एक बार लिख दीजिए। दूसरी बात, आप इसको ए बी सी लिखिए चाहे बी सी ए लिखिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें सेट पढ़ रहे हैं, इसको हम मॉडर्न एलजेब्रा कहते हैं, मॉडर्न एलजेब्रा। बड़े क्लास में जाओगे तो थोड़ा और ब्रांच में मिलेगा, और बड़े क्लास में पूरी बुक इस पे चलती है। ठीक है, एक खास बात देखिए, मतलब यहाँ पर सेट थ्योरी कहती है, मॉडर्न का कहती है कि किसी से कह रहा हाउ आर यू, और किसी से तो आर यू हाउ, तो वो कहे व्हाट इज दिस, कह तो ठीक है वो आर यू हाउ मीन्स हाउ आर यू, क्योंकि मॉडर्न एलजेब्रा कहती है हाउ को आर को यू को या आर को यू को हाउ को, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही चीज। यानी कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट करो चाहे एक बार लिखो, ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, अब सेट को लिखने के तरीके दो होते हैं, टू डिनोट द सेट देयर आर टू मेथड्स। एक होता है रोस्टर मेथड, डिनोशन एक होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, इसको सारणी विधि कहते हैं, हिंदी में इसको सारणी विधि कहा जाता है। जब हमारे पास एलिमेंट्स कम होते हैं तो उनको रोस्टर मेथड से लिख सकते हैं, मतलब मान लिया या सभी एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं, इस प्रकार से सब एलिमेंट लिखने हैं रोस्टर मेथड में, तो उसको सारणी विधि या रोस्टर मेथड कहते हैं। और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहा जाता है सूची विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमको सभी एलिमेंट नहीं लिख पाते या सभी एलिमेंट नहीं लिखते, हम उन एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके कुछ गुण के आधार पे लिखते हैं। जरा समझिएगा, मान लिया हमको किसी कॉलेज ए
ये सभी स्टूडेंट्स का सेट लिखना है, तो क्या करें भाई, अब उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का आप नाम लिखिए, सब जितने भी हजार लड़के हो भूल जाओगे, तो हम लिखेंगे कैसे, हम यहां बनाएंगे एक्स सच दैट, ये एक्स का मतलब है ये है कि इसमें सभी कॉलेज स्टूडेंट भरे हुए हैं। हमने क्या किया, सभी कॉलेज स्टूडेंट को एक बोरे में भर दिया, ये बोरे में भरे हुए हैं, उसमें से एक को निकाला, हमने कहा ही इज द स्टूडेंट ऑफ, ही इज द स्टूडेंट, एक को निकाल के बानगी के तौर पे दिखा दिया है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ए, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। मतलब मान लिया आपको इंग्लिश अल्फाबेट का सेट चाहिए, 26 लेटर्स को लिखना पड़ेगा आपको, आपने उन 26 को उठाया एक बैग में रख लिया, आपने कहा एक्स ये बैग है आपकी, उसमें से एक लेटर को निकाला, वो देखिए ये इंग्लिश अल्फाबेट का है लेटर, एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। या आपको पूरी कंट्रीज का सेट चाहिए, तो आपने सभी कंट्रीज को इकट्ठा किया, आपने कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये वानगी के तौर पे अ लिखा जाता है, समझ में आया। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, पहले हमने कहा भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक नोन बुक है और सबके पास ये अवेलेबल भी है, ना हो तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मेरे पास बुक नहीं है, मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बताइए ये सेट है कि नहीं है और इसको आप एक्सप्लेन करिए। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, पहला पार्ट, फिर जे से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ हो, तो आप जानते हैं भाई जनवरी होता है, वो अलग की बात है, जल्दी जल्दबाजी में आपने एक नाम को गायब कर दिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आपके नाम हो गए, तो ये तो वेल डिफाइंड है, जितने लोग लिखेंगे वो जनवरी जून और जुलाई लिखेंगे, कुछ लोग जून भूल जाएंगे, वो अलग की बात है, उनको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये वेल डिफाइंड है। दूसरा कहा गया कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, देखिए टैलेंट जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं है, मैं अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानता हूं, मिस्टर ए अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, तो टैलेंटेड इज नॉट द वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट, आप लिखेंगे बिकॉज टैलेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। तीसरा पार्ट है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हम नहीं कर सकते भाई, बॉल आई इनके बैट पे पड़ी, मार दिया, 6 रन चले गए, 10 बार चले गए, बेस्ट हो गए, पहली बार में आउट हो गए, बिल्कुल बेकार थे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है, तो इट इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 to 99, ये सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की कुछ नॉवेल्स हैं, 10 जो भी हैं, वो वेल डिफाइंड है, दैट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, ये भी आपका सेट है, 2, 4, 6, -2, -4, सब वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में, ये भी वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये भी हो गया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, देखिए मोस्ट डेंजरस एलिमेंट जो एनिमल होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बहुत लोग शेर के साथ खेलते हैं, बहुत लोग कुत्ते को देख के भाग जाते हैं, जिसमें मोस्ट डेंजरस वर्ड जो है वो एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा कि बताइए ये सेट है कि नहीं, तो ये सेट नहीं, एलिमेंट मतलब सेट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, एक सेट दिया है इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उन्होंने कहा बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग बताइए 5, 8, 0, 4, 2, 10, इन्होंने कहा बिलोंग का साइन और डज नॉट बिलोंग का साइन लगाइए। हमने भी बताया था कि अगर कोई इसको इस पर इसमें एलिमेंट है उसको बिलोंग्स कहते हैं। बिलोंग का मतलब होता है कि अगर ये पेन मेरा है तो आप कह सकते दिस इज माई पेन, इंग्लिश जानते होंगे आप, या दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये मुझको बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग्स वर्ड होता है, ठीक है। तो चूंकि 5 इसमें है
तो आप क्या कहेंगे, फाइव बिलोंग्स टू इट, एट इसमें नहीं है, एट डज नॉट बिलोंग्स टू इट, जीरो इसमें नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू इट, फोर इसमें है, फोर बिलोंग्स टू इट, टू बिलोंग्स टू इट, टेन डज नॉट बिलोंग टू इट। तो जो इसमें है उसके लिए बिलोंग, जो इसमें नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग। ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखा है और आपसे कहा है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। हमने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं आप प्रॉपर्टी लिख देते हैं, कुछ गुण उसके होते हैं वो लिख देते हैं, और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है सभी एलिमेंट लिखते हैं। जैसे थर्ड का जो ए पार्ट है उन्होंने कहा, फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर के बारे में आप जानते होंगे, एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन सेवन, तो माइनस थ्री से बड़े और सेवन से छोटे इंटीजर आप जानते हैं क्या होगा, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला हूं मैं, सेवन तक नहीं पहुंचूंगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एक सेट बी दे दिया इन्होंने, इन्होंने कहा एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेस देन सिक्स, तो छह से छोटी कौन से नेचुरल नंबर होंगी, वन टू थ्री फोर फाइव, लिख देंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x is a two digit natural number with such that in which the sum of the digits is 8, दो डिजिट के नंबर जिनका सम दोनों डिजिट का 8 है, दो डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट, 10 से स्टार्ट होता है, तो आप जानते हैं अगर मैं 17 लिखता हूं 17 इनका सम 8 है, 26 लिखता हूं 26 इनका सम 8 है, 35 लिखता हूं इनका सम 8 है, 4 लिखता हूं इनका सम 8 है, 5 3 लिखता हूं इनका सम 8 है, 6 2 लिखता हूं, सॉरी एक नंबर है, 4 4 ऐसे नहीं, 44 लिखता हूं, 53 लिखता हूं इनका सम 8 है, 62 लिखता हूं इनका सम 8 है, 71 लिखता हूं इनका सम 8 है, एक 80 भी आएगा जिसका सम 8 होगा। तो दीज आर द टू डिजिट नंबर जिनका सम डिजिट का 8 है। फिर उन्होंने कहा कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, वे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो फोर्थ पार्ट आप लिख लेंगे तो आप जानते हैं 2 3 5 नंबर है जो 60 को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर, पर 60 को 1 करता है 1 प्राइम नहीं है, 2 करता है 2 प्राइम है, 3 करता है 3 प्राइम है, 4 करता है 4 प्राइम, 60 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है सभी नंबर को इकट्ठा कर लो, उनमें जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने आप से करते हैं और वन से करते हैं, वन को छोड़ दें, ठीक है। उसी प्रकार से सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने वर्ड हैं उनके सबके लिखिए, टी आर आई ट्रिगोनोमेट्री एम ई टी आर वाई, ये वर्ड होते हैं, तो इसमें जो रिपीट हो रहे हो उनको एक बार लिखिए, आर को दो बार लिखा गया मत लिखिए, ओ को दो बार लिखा गया मत, लिख के नहीं काटेंगे आप उन नंबर्स को केवल लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वर्ड ऑफ बेटर बीई डबल टी आर, तो बी लिख देंगे, ई लिख देंगे, टी लिख देंगे और आर लिख देंगे, टी को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, और कर्ली ब्रैकेट जरा अच्छी तरह बनाइएगा, कर्ली ब्रैकेट बहुत लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म था, तो रोस्टर फॉर्म। अगले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म है और आपसे कहा गया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करिए। देखिए रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म कहा गया, फाइंड राइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए आपको प्रॉपर्टी तलाशनी पड़ेगी, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 3 6 9 12 क्या दिख रहा है हमको, देखो कई तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ये 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो आप कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 एन,
वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज लेस देन फोर. आप लेस देन फोर लिखिए, थ्री फोर जार ट्वेल्व, लेस देन फाइव. आप लेस देन फाइव लिखिए तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से. वन रखोगे थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व, फाइव से छोटे हो गए. हम यहां फोर लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेस आर इक्वल टू फोर. तो तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है. बहुत लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री लेस देन फिफ्टी, लेस देन फिफ्टी, ये भी लिख सकते हैं आप. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, क्या आपको दिख रहा है आप, टू टू पावर वन, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, टू जा टू टू जा फोर, टू जा एट, तो टू टू पावर वन, टू टू पावर टू, टू पावर थ्री, ये लिखा हुआ है. तो आप लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू टू पावर एन, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कहां से, वन से स्टार्ट हुआ, नेचुरल वन से स्टार्ट होता है, कहां तक गया है, टू टू पावर फाइव. एंड एन इज लेस आर इक्वल टू फाइव लिखिए या लेस देन सिक्स लिख दीजिएगा. तो एन को वन रखोगे, टू पावर वन टू, टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, टू पावर फाइव. थर्ड पार्ट देखिए, फाइव ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव, सिक्स ट्वेंटी फाइव, फाइव टू पावर वन, फाइव पावर टू, फाइव पावर थ्री, फाइव पावर फोर. तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू फाइव पावर एन, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस आर इक्वल टू वन टू थ्री फोर फोर. ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है. इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट में लिखा है टू फोर सिक्स एंड सो ऑन, तो आप लिख दो एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या है. और वन फोर नाइन देखिए लिखा है अगले में, वन फोर नाइन अप टू हंड्रेड, क्या दिख रहा है आपको, वन टू पावर वन, टू टू पावर टू, थ्री टू पावर थ्री, एंड एन टू पावर एन, लिख सकते हैं इसको. एक्स सच दैट वन टू पावर वन, टू टू पावर टू, थ्री टू पावर थ्री, फोर टू पावर फोर, टेन टू पावर टेन, ये तो लिखा हुआ है आपको. वन स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, वन स्क्वायर, ये वन स्क्वायर है, ये टू स्क्वायर है, ये थ्री स्क्वायर है, ये फोर स्क्वायर है, यानी कि ये क्या चेंज हो रहा है, बेस में वन टू थ्री चेंज हो रहा है, एन स्क्वायर है. क्या एन क्या है, नेचुरल नंबर, कहां तक है, लेस आर इक्वल टू टेन. तो एन को वन रखोगे, वन टू पावर टू, वन टू पावर टू आएगा, टू टू पावर टू आएगा, थ्री टू पावर टू आएगा. इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन आप लगाए, ठीक है. अगला देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे हैं, उनको आपको सभी एलिमेंट को लिखना है, वो अपने आप कर लेंगे. एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, देख लीजिएगा फिफ्थ, देख लीजिएगा सिक्स, अपने आप कर लीजिएगा. उसको मैच करना है, मैच करने के दो तरीके होते हैं, मैच करके आंसर देख लीजिए और दूसरा तरीका आंसर देख करके मैच कर लीजिए. तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर देख के मैच करोगे तो एग्जाम में मैच करने के लिए आंसर चाहिए, इसलिए मैच करके आंसर देखिएगा, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसका पहला पार्ट देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं. इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो कौन कौन से होती है, वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, इसको लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, आई लिखते हैं ना इंटीजर को, अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में. और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस देन नाइन बाई टू, जरा समझिएगा, जब भी ये माइनस प्लस गड़बड़ करे तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू, माइनस हाफ यहां कहीं आएगा, माइनस का हाफ, और ये 4.5 यहां कहीं आएगा. अब माइनस हाफ से बड़ा ये नंबर, यहां से फोर, ये नंबर क्या हो जाएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, इस प्रकार से, ठीक है. थर्ड पार्ट कह रहा है कि एक्स, थर्ड पार्ट कह रहा है कि सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x belongs to integer, x square is less or equal to 4, equal to भी होना चाहिए. तो आप देखेंगे माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस वन का स्क्वायर 4 से छोटा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आएगा आपका थर्ड पार्ट. फोर्थ में कहा गया लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो एल ओ वाई ए एल दोबारा आएगा नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिख देंगे लॉयल वर्ड लिख देंगे. एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज. अब 31 डेज के लिए आप क्या करते हैं, तो वो ऐसे मुट्ठी बांधते हैं, सही से गिनते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है. तो याद करने के लिए याद करो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 और 29 फरवरी, बाकी सब 31. जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 से 29 फरवरी, बाकी सब 31. तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 30 के हो गए, 1 फरवरी, बाकी सब 31. तो बाकी वाले लिख दो हैविंग 31, नॉट हैविंग 31 डेज. तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर और फरवरी. एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट प्रसीड के से पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं, तो कॉन्सोनेंट पढ़े ए आई ओ छोड़ करके ए नहीं होगा, बी सी डी ई छोड़ दिए, एफ जी एच आई जी, ये के पहले के कॉन्सोनेंट्स प्रकार से कर लीजिएगा. 6 क्वेश्चन अपने आप करिएगा. अच्छा एक चीज थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर इंडिकेशन जो होते हैं ज्यादातर जो स्टैंडर्ड नाम दिए जाते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर के लिए जो इस्तेमाल आप करेंगे प्राकृतिक संख्या, देखिए इसको समझ लीजिएगा. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये पहले बताना चाहिए था, चलिए बाद में लिख दीजिएगा. प्राकृतिक संख्या इसको कैपिटल एन से लिखेंगे, ठीक है. इसके बाद इंटीजर, जरा इंटीजर में थोड़ा दिक्कत है, इंटीजर को जनरली हम आई लिखते हैं, लेकिन एक वर्ड है जहलन, जहलन ये अरबी वर्ड है, वहां पर एक अलजेब्रा में जहलन वर्ड यूज किया गया, इंटीजर में जेड का इस्तेमाल कर, ठीक है. रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है. रेशनल आपकी परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय, इसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं. रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती है, इसको आर से लिखते हैं. तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं. अब अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां प्लस लगा देंगे, निगेटिव है तो यहां निगेटिव लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस. तो अगर प्लस माइनस लगा है यानी प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव है, अदरवाइज प्लस माइनस सब लिखेंगे, ठीक है. ये पहली साइज है, सर कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मॉडर्न अलजेब्रा की स्टार्टिंग है, बस बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न. अगर यहां से आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश नहीं की तो बड़े क्लासेस में बहुत टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके थैंक यू.